नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल लवर में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध प्राचीन काल के सबसे विनाशकारी युद्धों में गिना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत साबित हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के 10 सबसे बलवान योद्धाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक वीडियो को। अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन जी के पुत्र थे। अभिमन्यु का बचपन द्वारका में श्री कृष्ण जी के पास बीता। उन्होंने युद्ध की कला अपने पिता अर्जुन और कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युमन जी से सीखी। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने युद्ध की कला अपने माँ के पेट में ही सीख ली थी। जब अर्जुन अभिमन्यु की माता को युद्ध नीतियों के बारे में बताते थे, तभी से अभिमन्यु इसके बारे में सीखने लगे थे। इसीलिए उन्होंने चक्रव्यूह को भेदने का तरीका अपनी माँ के पेट में ही सीखा। लेकिन उनकी माँ के बीच में ही सो जाने की वजह से उन्होंने चक्रव्यूह भेदना तो सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं सीख पाए। अभिमन्यु महाभारत के तीसरे योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह को भेदना आता था। अभिमन्यु अपने पिता के ही जितने ताकतवर थे और वो सिर्फ 16 साल के थे जब वो महाभारत का हिस्सा बने। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिता थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन और कर्ण को धनुष विद्या तथा युधिष्ठिर और भीम को गदा चलाने की कला सिखाई थी। द्रोण परशुराम के शिष्य थे। अपने वचन की वजह से वे कौरवों की तरफ से महाभारत में लड़े थे। द्रोणाचार्य बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और महाभारत में सबसे अच्छी युद्ध रणनीतियाँ उन्होंने ही बनाई थी। अर्जुन। अर्जुन इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन एक बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। समय के साथ वे अपने गुरु को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे महान तीरंदाज बन गए। अर्जुन को अस्त्र शस्त्र का बहुत ज्ञान था। उनके पास बहुत से दैवीय शस्त्र थे जिनमें से ब्रह्मास्त्र भी एक है। परंतु कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना कोई भी दैवीय शस्त्र इस्तेमाल नहीं किया था। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के बहुत से महान योद्धाओं को मारा था, जिनमें से कर्ण और भीष्म पितामह भी शामिल थे। भीम। भीम पांचों पांडवों में दूसरे नंबर पर थे। ये कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। भीम अपने पिता की ही तरह काफी शक्तिशाली थे। उन्हें इंद्रदेव और वायुदेव के जितना ही बलवान माना जाता था। भीम पांचों पांडवों में से सबसे ज्यादा तेज और बलवान माने जाते थे। अगर बल की बात की जाए तो महाभारत का कोई भी योद्धा भीम से बलवान नहीं था, और कहा तो यह भी जाता है कि भीम में 1,00,000 हाथियों का बल था। भीम के बल का इस बात से अंदाजा लग जाता है कि एक बार भीम बचपन में अपनी माँ की गोद से एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं आती। दुर्योधन। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई थे। गदा चलाने की कला दुर्योधन से अच्छी किसी को नहीं आती थी, और उस समय वे गदा चलाने में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उनमें गजब का शारीरिक बल था। कहते हैं कि उनमें 1,000 आदमियों का बल था। यहाँ तक कि छोटी छोटी शारीरिक चोटों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखी थी, और गदा चलाने की कला कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम से सीखी थी। दुर्योधन महाभारत काल के सबसे क्रूर शासक थे। महाभारत युद्ध होने का दुर्योधन सबसे बड़ा कारण थे। कृष्ण। कृष्ण जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। महाभारत काल में कृष्ण सबसे विद्वान और बलवान योद्धा थे, और उन्होंने महाभारत में ना लड़ने का वचन लिया था। कृष्ण जी महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। भगवान कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी और बलवान थे कि उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। भीष्म। भीष्म देवी गंगा और शांतनु के पुत्र थे। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा थे। भीष्म पितामह ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी, और उन्हें अपनी माँ गंगा से वरदान मिला था कि जब तक भीष्म पितामह नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं मरेंगे। भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि परशुराम जी ने एक बार यह कहा था कि भीष्म से कभी युद्ध मत करना, क्योंकि उनको हराना नामुमकिन है। महाभारत युद्ध में
भीष्म के वार इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण जी को अपने शस्त्र न उठाने का वचन तक तोड़ना पड़ा था। कर्ण। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, लेकिन अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की वजह से वह महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। कर्ण ने अपनी विद्या भगवान परशुराम से सीखी थी। वो एक कवच तथा कुंडल के साथ पैदा हुए थे। ये कवच और कुंडल उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें दिए थे। इन्हीं की वजह से इनके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। कर्ण ने महाभारत युद्ध में भीष्म को एक वचन दिया था कि जब तक भीष्म महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, कर्ण तब तक युद्ध में नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर वो एक साथ युद्ध में उतर जाते तो एक ही बार में पांडवों का खात्मा कर देते। इसी वजह से वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के मरने के बाद उतरे थे। कर्ण को पांडवों ने एक षड्यंत्र के चलते हराया था। एक षड्यंत्र में पांडवों ने उनके कवच और कुंडल को निकलवा दिया। उसी के बाद उन्हें हराना मुमकिन हो पाया। घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसनी हिडिम्बा के पुत्र थे। वो आधे देवता और आधे राक्षस थे, इसीलिए उनमें दोनों की दैवीय शक्तियां थी। घटोत्कच अपने शरीर को विभिन्न आकार में बदल सकते थे। इसी वजह से महाभारत के बहुत से योद्धा उनके सामने आने से डरते थे। घटोत्कच इतने बलशाली थे कि उन्होंने एक ही रात में पूरी कौरव सेना को खत्म कर दिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृति के पुत्र थे। अश्वत्थामा शिवजी के अवतार हैं और कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। द्रोणाचार्य ने कई सालों तक महादेव की तपस्या की और उनको प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र आपकी ही तरह शक्तिशाली हो। भगवान शिव का अवतार होने की वजह से जब उनका जन्म हुआ तो उनके सिर पर एक मणि थी। इस मणि की वजह से ना तो उन्हें भूख लगती थी और ना ही प्यास। उस मणि में इतनी ताकत थी कि वो हर किसी जानवर तथा पक्षी को अपने वश में कर सकते थे। अश्वत्थामा को अस्त्र शस्त्र की महारत हासिल थी। अश्वत्थामा के पास बहुत सी दैवीय अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र भी था। यहाँ तक कि भीम भी यह मानते थे कि अश्वत्थामा से गुस्से में लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो शिवजी के क्रोध वाला रूप ले लेते थे। दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।